ये तंज जो हो रहा है ना, ये आपके ग्राउंड लेवल से उठता हुआ आ रहा है कि सरकार भी गलत है, साथ में इंजीनियर भी गलत है, वहाँ का ठेकेदार भी गलत है। आज घर बना रहे हैं, 6 महीना में गिर जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, सरकार किसी भी तरफ मिल जाए, किसी की भी आ जाए, बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो ही नहीं रहा। पुराड़ी या दिल्ली गए थे, बिहारियों भाई से ये सलाह लिए, ये मशवरा लिए, यही हो सकता है ना। हम तो यही कहेंगे और क्या कहेंगे। बिहार में सरकार और पुल हैं कि टिकते ही नहीं। चलिए सरकार तो फिर भी कुछ महीने टिक जाती है, लेकिन पुल की हालत तो ऐसी है कि पिछले 20 दिनों में बिहार में 12 पुल गिर चुके हैं। भ्रष्टाचार के इन पुलों को लेकर बिहार में रहने वाले जो लोग हैं उनमें तो काफी आक्रोश है, लेकिन दिल्ली में भी आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में बिहार से आए हुए जो लोग हैं वो बसे हुए हैं। तो हम बुराड़ी पहुंचे हैं दिल्ली के, जहां पर बड़ी संख्या में जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले लोग हैं वो यहां पर आकर बसे हैं, काम करते हैं, अपना जो रोजी रोटी है वो चलाते हैं। तो हमने सोचा कि उनसे भी पूछते हैं कि आखिर उनके बिहार में जो हो रहा है उस पर उनकी राय क्या है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुरुषोत्तम। कहाँ के रहने वाले? बेगूसराय, बिहार का रहने वाले। अच्छा, कब से रह रहे हैं दिल्ली में? 30-32 साल हो गए। 30-32 सालों में तो सर न जाने कितने पुल बिहार में गिर गए हैं, सरकारें भी बदल गई हैं, लेकिन पुल गिरने का सिलसिला तो ठीक ही नहीं होता, इस पर क्या कहें? हाँ, सरकार किसी भी तरफ मिल जाए, किसी की भी आ जाए, बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो ही नहीं रहा है, और पुल हो, सड़क हो, सब धारा सही होते रहे। इसी पुल पे भाजपा जो है वो RJD पर तंज कसती है कभी। हाँ, बीच में जो थोड़े टाइम उनकी सरकार जो बनी थी उसकी वजह से वो कर रहे हैं कि भाई ये जिम्मेदार है। हालांकि मैं तो ये कहूँगा जिम्मेदार तो सारे। ये तो बहुत बड़ी बात है 20 दिन में 12 पुल गिर जाना, लेकिन इसके पीछे ये भी होता है कि जो जैसे बताया गया है भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है बिहार में, उसके साथ साथ जिनको काम दिया जाता है उनके पास पैसे नहीं पहुँचते हैं पूरे, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा माल इस्तेमाल करना पड़ता है पुल बनाने के लिए जो संभव नहीं हो पाता कि मजबूत पुल बनाए। उन्हें तो काम ख़त्म करके दिखाना तो होता ही है, लेकिन बाद में फिर ये नतीजा होता है कि पुल गिरते हैं। मैं तो TV पर देखें कि 20 दिन में पुल गिर गया, तो मैं जाऊँ यहीं है 6 महीना से मैं क्या जा पाता हूँ। क्या लगता है कि मतलब इतना पुल ऐसे गिर रहे हैं, क्या करेगा सरकार? कमी है, सरकार चाहे तो सबको कानून का कार्रवाई करेगा, ठेकेदार को जो दिया उसको पाबंद करेगा, तुरंत होगा कानून कार्रवाई। लेकिन 20 दिन में अगर 12 पुल सरकारी है, सरकार कानून कार्रवाई नहीं कर रहा है, यही बात है। इसमें जो हमारा सरकार है वो करेगा ना, इसमें सारे कुछ कानून कार्रवाई करेगा, ठेकेदार पकड़ेगा, क्यों हुआ इसे? देखिए, पुल गिरने की जो जिम्मेदारी है ना वो एक पहलू की नहीं है कि अगर नीतीश जी बोले कि मेरी जिम्मेदारी है, उनकी सरकार है। ये क्या होता है कि एक पूरा पैटर्न होता है नीचे से लेके ऊपर तक। सरकार ने टेंडर निकाला, किसी ने टेंडर लिया, उसने क्या करा, सरकार को हो सकता है कुछ टेंडर के लिए दिया होगा, तो पहला भ्रष्टाचार वहाँ से शुरू हो गया। दूसरा भ्रष्टाचार, वो टेंडर ले गया, नीचे वाला कोई इंजीनियर होगा उसे दिया। सबसे मेन काम तो इंजीनियर का होता है, अगर वो व्यक्ति अपने उसे टेंडर दे दिया, अगर वो उसे सर्टिफिकेट दे रहा है, तो किसकी कमी है, सरकार की या इंजीनियर की? सरकार तो इंजीनियर है नहीं, उन्हें तो नहीं पता क्या मटेरियल लगा क्या नहीं लगा। एक टेंडर निकालने के बाद तो इंजीनियर रह गया। तो अब आप ये सोचो कि अगर मैं किसी सरकार को तंज कसूँ तो वो तो पॉसिबल है नहीं। क्या है कि ये तंज जो हो रहा है ना, ये आपके ग्राउंड लेवल से उठता हुआ आ रहा है कि सरकार भी गलत है, साथ में इंजीनियर भी गलत है, वहाँ का ठेकेदार भी गलत है, और इवन जो मटेरियल दे रहा है ना वो भी गलत है, क्योंकि सब ने थोड़ा 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 कहीं ना कहीं से अर्न करना है और सब अपनी जेब भर रहे हैं। किसी को ये थोड़ी लग रहा है कि वहाँ कितने व्यक्ति मर गए, कितने रह गए, मतलब वो भी व्यक्ति जो मरे हैं वहाँ पर उनका भी तो परिवार है। यही है ना कि सरकार जो है एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालती है, बस अपने को आप नहीं देख रही कहाँ पर है। ठीक है, तो ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है, दर्दनाक हादसा है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी ख़त्म हो पाएगा। इस चीज़ें ये हमेशा ही चलती रहती हैं, जब कुछ होता है तो सब थोड़ा उजागर हो जाता है, फिर थोड़े दिन बाद फिर ठंडा हो जाता है मामला। लेकिन आपके गांव में अगर इस तरह की स्थिति बन रही है, कौन जिम्मेदार लगता है? हमें नहीं पता कौन जिम्मेदार है नहीं है। इसके जिम्मेदार आप हो सकते हैं, आप ठेकेदार बन जाए आप भी हो सकते हैं, इस बात का भाई साहब बन जाएंगे भाई साहब हो जाएंगे, ताऊ बन जाएगा ताऊ हो सकता है। हम लोग तो सिर्फ काम करने वाले हैं, अब उसमें सीमेंट लगा रहे हैं, सरिया लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं क्या पता। सरकारें तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जैसे पुल बन गया, पुल बनने के बाद से उसका मरम्मत रख रखाव ये सब पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है ये लोग। जिस सरकार ने बना दिया उसको छोड़ दो, उसके बाद से रख रखाव उस पर ध्यान रखे तो पुलें नहीं गिरती, लेकिन जो सरकार है बोले कि पिछले सरकार बना के गई है मैं नहीं करूँगा, तो ये सारे एक दूसरे पर रोपा दोषारोप है बस। कॉल इसमें काम ढंग से नहीं हो रहा है। मैं